पछाडी एकदमै नाइट भ्यूज देखाइरहेको छु मैले तपाईहरुलाई। त्यसै दुबईको अल्खाउनिस भन्ने ठाउँतिर पर्छ हैन। म चाहिँ अहिले ठ्याक्कै रातिको समय 10 बजिरहेछ बाहिर निस्केको छु। त्यहाँनिर चाहिँ मैले दुईजना देखिरहेको छु, एकजना नेपाली एकजना इन्डियन। उहाँहरूसँग केही कुराहरू हेरौँ उहाँहरूको रियाक्सन कस्तो हुन्छ। बोल्नु हुन्छ बोल्नु हुन्न थाहा छैन। हेलो कैसे हो? बढ़िया, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ मैं ठीक हूँ। आप कहाँ से हो? मैं नेपाल से हूँ। हाँ जी, और कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पे? मेरे को हो गया 3 साल हो गया। और आप कैसे काम चल रहा है? बढ़िया है, बहुत बढ़िया। और कैसा लगा आपको दुबई में? बस दुबई में मेरे को अच्छा लग रहा है। आज कितना डिग्री तापक्रम है? अभी चेक करता हूँ, मैं अभी बता दूँ कितना है। भाई साहब चेक कर रही है, अभी चेक करके आपको बताएंगे कितना गर्मी है दुबई में। अभी मेरे पास नेट भी नहीं है, पर 44 है। 44 है बता रहे हैं। फिर भी आप इधर इतना गर्मी में बाहर बैठ के क्या कर रहे हो? बच्चे तो पालने पड़ेंगे और नौकरी भी करनी पड़ेगी, फिर नहीं तो कमरे कमरे में आदमी पागल हो जाता है। और घर का याद कैसा आता है नहीं आता है? घर का याद यहाँ पे सब कुछ है, इंडियन भी हैं नेपाली लोग भी हैं, सभी अच्छा लगता है बात करने से। और घर जैसा माहौल बनाना पड़ता है, अपना खुद अच्छा रहोगे तो दूसरे को भी अच्छा रहेंगे, तभी तो सही रहेगा। हाँ सही है, ठीक है। और काम कैसा चल रहा है आपका? कितना साल हो गया दुबई में? अभी तो मेरे को 1 साल 1 मंथ हो गया। 1 साल में 1 मंथ हो गया। सो सब सब अच्छा चल रहा है? सब बढ़िया बढ़िया हैं, सब सब सही चल रहा है। अभी तो बढ़िया चल रहा, ऊपर वाले की देन है। सो मेरा ये व्यूअर्स है, उन लोग को कुछ बोलना चाहेंगे आप? उनको ये बोलना चाहता हूँ मैं कि जितने भी नेपाली फ्रेंड या इंडिया हैं, इनके सब्सक्राइबर हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक और कमेंट के साथ में, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और देखें भी, तभी भाई का वो होगा, चैनल सब्सक्राइबर भी होगा और मोनिटाइज भी होगा। सो अभी हमारे जैसा नया लोग होंगे, जैसा नेपाल से इंडिया से पाकिस्तान बांग्लादेश से जैसा आना चाहते हैं नया लोग, उन लोग को क्या बोलना चाहेंगे आप? नए लोगों के लिए तो बहुत डिफिकल्ट है, यहाँ पे अभी बहुत रूल चेंज हो गए। नेपाल का पता नहीं, पर इंडिया के लिए तो बहुत रूल चेंज हो गए, क्योंकि 3,000 दिरहम दिखाना पड़ेगा, प्लस हमको रूम की बुकिंग दिखानी पड़ेगी और हमें आने जाने का टिकट दिखाना पड़ेगा ओरिजिनल। वो भी ऐसा नहीं कि हमने डेमी निकाल दिया वो टिकट का जाने का, ऐसा नहीं कि कैंसिल नहीं होगा वो टिकट, हमको दोनों टिकट लाने पड़ेंगे यहाँ तभी यार, क्योंकि होटल की बुकिंग भी ज़रूरी है। और प्लस अपना कोई यहाँ जुम्बारी लेने वाला होना चाहिए, उसके पास जा रहा हूँ मैं टूरिस्ट वीजे पे आए तो। टूरिस्ट वीजे पे मत आना, वैसे बहुत डिफिकल्ट हो गया यहाँ पे, अभी बाद में पछताओगे, ओवर स्टेक होगा, फिर फाइन भरने पड़ेगा, उससे अच्छा मत आओ। सो मैंने आपका नाम पूछना भूल गया, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है शौकीन सिंह पंवार, मैं इंडिया से हूँ, इंडिया उत्तराखंड से, और देवभूमि उत्तराखंड, बद्रीनाथ केदारनाथ सुना होगा आपने। और भाई साहब का भी एक चैनल है, क्या नाम से आपका? मेरा नाम, मेरा चैनल गुत्तू बिलंग चैनल से है, और उत्तराखंड से। ओके, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा, आप लोग भी जाके सब्सक्राइब कर देना थोड़ा। बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया भाई ने, दुबई आने से पहला ऐसा रूल्स चेंज हुआ इसलिए अभी थोड़ा मत आना ऐसा बोल रहा है। हाँ, जो तुमको कोई वीज़ा दे रहा है मालिक तो आ जाना ज़रूरी है, वीज़ा दे रहा तो अच्छा है। हाँ, तुमको कोई टूरिस्ट वीज़ा पे बुलाएगा तो यहाँ एजेंट के थ्रू भी मत फंसना कभी भी, बहुत गलत होता है यहाँ पे, क्योंकि वीज़ा नहीं लगाते हैं, नौकरी नहीं मिलती है। हाँ, कोई मालिक जान पहचान वाला है या अपना आदमी है तुम्हारा, उसके थ्रू आ सकते हो आप यहाँ पर। और प्लस उसको बोलना भाई वीज़ा कौन सा वीज़ा मिलेगा, वीज़ा पहले पूछ लेना, वीज़ा वर्क परमिट मिलेगा तभी आना, नहीं तो मत आना टूरिस्ट वीजा पे तो बिल्कुल ही मत आना। जिसको जॉब के लिए आना, हाँ घूमने के लिए आना तो कोई दिक्कत नहीं, आ सकते हो आप टूरिस्ट वीजा पे घूमने के लिए आना जिसको। ठीक है, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। हाँ, थैंक यू। और
क्या बोलते हैं, खत्री भाई का चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। और ओके, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।